नमस्कार साथियों, स्ट्रीट मेल टीवी में आपका स्वागत है। मैं विनोद सरदाना, आज हम एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं। फतेहाबाद शहर के वार्डवासियों का हाल जान रहे हैं और इस दौरान पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि फतेहाबाद के अंदर कुछ काम हुए कुछ नहीं हुए, तो ये शुरुआत हमने की है आज फतेहाबाद वार्ड के वासियों का हाल जानने के लिए। यार आइए चलते हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं वार्ड नंबर 3 से, जिसके पार्षद हैं मिस्टर राकेश गंभीर। कैसे उनका मतलब कि कार्यकाल रहा और उनकी किस टाइप की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है या कोई समस्याएं आई ही नहीं है, प्लीज़। सर आपका शुभ नाम? राम कुक्कड़। मिस्टर राम कुक्कड़, आपका स्वागत है स्ट्रीट मेल में। सर आपसे जानना चाहेंगे वार्ड नंबर 3 के क्या हालचाल हैं? वार्ड नंबर 3 के बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छा MC हमारा, ऐसी बात नहीं है, जो काम जाओ आधी रात को तैयार है। बड़ी अच्छी बात है सर। तो इसकी सर जो जन सेवाएं हैं, मतलब कि जैसे गलियां नालियां सड़कें वगैरह, ये तो जितनी मर्जी बना लो आदमी तो नाराज रहना ही रहना है, अगर सोने के लगा देंगे तो भी लोग नाराज रहेंगे। आपका मानना ये है सर किसी टाइप की कोई समस्या नहीं है, सब अच्छे से हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है काम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी अच्छी बात। 3 से हूँ महेश कुमार। महेश जी स्वागत है आपका स्ट्रीट मेल टीवी में। जी ये हमारे गढ़ी मोहल्ले की नालियों में बुरा हाल है जी, गंद वगैरह निकालते नहीं है, इसको बंद करवा दिया जाए MC से अपील करके जी। तो आपने सर पहले कोई कंप्लेंट कोई लिखित में दे रखी है जी, दस्तखत करा के, पर हो नहीं रहा काम 1.5 महीने पहले। कितना टाइम हो गया दिए हुए? 1 महीने पहले दी थी जी। 1.5 महीना हो गया सर। चलो समस्याएं आती रहती हैं, आपसे एक विनती है कि सर अगर इस टीवी चैनल के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस नालियों की समस्या, सबसे पहले ये समस्या निकल के आई है गढ़ी मोहल्ला, गढ़ी गली पड़ती है, ये गढ़ी मोहल्ला गली है, नालियों की समस्या है यहाँ पे। और कुछ सर और किसी टाइप की समस्या? बस यही समस्या ही है जी। आपका शुभ नाम जी? महेश कुमार। महेश कुमार जी धन्यवाद महेश जी। और सबसे पहले तो हमारे पंडित जी को जय श्री श्याम। आज पंडित जी हमारे जय श्री श्याम मंदिर जी के पंडित जी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे वार्ड नंबर 3 के क्या हालचाल हैं। स्ट्रीट मेल टीवी में आपका स्वागत है पंडित जी। सबसे बड़ी समस्या है जी ये सीवर है, नालियाँ है, ये भर जाती है रुक जाती है। ये मंदिर है, मंदिर के आगे यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाता है जी। कितनी बार शिकायतें दे दी, कितनी बार, ये रोज़ाना इनका यही काम, रोज़ाना रुक जाते हैं और यहाँ छिंटे लगते हैं मंदिर के अंदर तक, भगत गंदे पैर ही अंदर जाना पड़ता है। एक ये है कि यहाँ भी बहुत गंद हो जाता है। मैं गोल्डी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार नालियों के हालचाल भी दिखा दीजिए मंदिर के बिल्कुल सामने। पंडित जी का भी महेश जी का भी यही कहना है कि तकरीबन 1.5 महीना हो गया गढ़ी मोहल्ला शाम मंदिर के बिल्कुल सामने, 1.5 महीना हो गया कंप्लेंट दिए हुए लेकिन अब तक कोई हालचाल। अच्छा रुका ही रहता है ये। चलिए हम पार्षद महोदय से भी विनती करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी निपटान हो। इसके अलावा पंडित जी और कुछ समस्याएं हो आपको? बाकी तो सब ठीक है, स्ट्रीट लाइट हैं, नालियां थोड़ी अगर बंद हो जाए तो सबसे बढ़िया काम हो जाए। अच्छा जी, बाकी तो सब ठीक है। पंडित जी का कहना है कि ये नालियां आज के दौर में नालियों का तो कोई काम है भी नहीं, लेकिन फिर भी ये पुराने मोहल्ले हैं, पुराने डेवलप्ड एरिया हैं, आज भी यहाँ पर नालियां हैं और वो कुछ बारिश के दिनों में अमूमन वैसे भी ये बंद ही रह जाती हैं। तो इसका भी प्रशासन से हमारा एक रिक्वेस्ट है, हमारी विनती भेजी जाएगी कि जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान हो और ये नालियाँ बंद ही करवाए जाएँ। धन्यवाद पंडित जी, और कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी। हम आप पहुँचे हैं धर्मशाला रोड पर, वार्ड नंबर 3 का ये एरिया पड़ता है। मैं मेरे कैमरामैन महोदय से एक बार चाहूँगा कि उस रोड का हालचाल दिखा दें, क्योंकि पिछले 3 सालों से तकरीबन इस हाल का ज्यों का त्यों ही देख रहे हैं यार। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक यहाँ दर्दनाक हादसा भी हुआ था, हम सब ने देखा, सबकी संवेदनाएँ भी मिली, लेकिन उसका अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, ये रोड ज्यों का त्यों बना हुआ है। आज जब भी यहाँ बारिश होती है तो पैर रखने की जगह नहीं होती, हमें पता नहीं होता कहाँ से हमने जाना है और कहाँ से बच बच के निकलना है। आइए हम धर्मशाला रोड पर सरदाना मेडिकोज, कुछ एक जो दुकानदार हैं, दरअसल लॉकडाउन के दौरान ये भी हालात हैं कि बहुत सारी शॉप्स मंगल हैं, लॉकडाउन में ऑर्डर नहीं है, लेकिन एक केमिस्ट शॉप है, सरदाना साहब से हम जानना चाहेंगे कि उनके रोड का क्या हालचाल है। सरदाना साहब स्ट्रीट मेल टीवी से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस रोड को हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। 1.5 साल तकरीबन हो गया जी, इस रोड में मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं है, कस्टमर आता नहीं है, सारे रोड बाइक खराब हो चुके हैं, बुरा हाल है। सड़क पे धरने तक दे दिए लोगों ने, प्रशासन पे कोई असर नहीं है, किसी चीज़ का असर नहीं है जी, बहुत परेशान है लोग, पूछो ही मत जी। सदाना सर तकरीबन 500 से 700-800 ये शॉप है इस रोड पे जी। लेकिन मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप पिछले 2-2.5 सालों से धरने भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो अब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा सर, ऐसा क्यों?
ये तो समझ नहीं आ रही जी, हमारे एमसी साहब हैं राकेश गंभीर जी, उन्होंने इतना जोर लगा लिया, कोई मतलब सुनता ही नहीं है प्रशासन नाम की। एमएलए आ गई, एक डेथ भी हुई, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है जी। मैडम जी पता चला जी, जी मैडम दुग्गल भी आ गई, कुछ ही मतलब इस रोड के ऊपर विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है इस रोड के ऊपर। या पार्षद महोदय से भी हम जानना चाहेंगे भी ऐसी क्या समस्याएं हैं जो अब तक आपके कार्यकाल के अंदर पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं रोड ज्यों का त्यों पड़ा है, भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा। इसके अलावा सर मतलब कि वार्ड नंबर 3 के हालचाल, कुछ और समस्याएं, इसको तो हमने देख ही लिया, इसके अलावा कोई समस्याएं आपको आ रही हो? समस्या और कोई समस्या नहीं है हमारी, तो सिर्फ रोड की समस्या है जी। अब कोई नई पाइप डालते हैं, अब कल कोई कह रहा था बंदा अब पानी की फिर तोड़ेंगे जी, फिर पानी की डालनी है, नहरी पानी की तमाशा बना रखे इन्होंने, समझता हमें आती नहीं कि हो क्या रहा है इस रोड के ऊपर, बुरा हाल है जी। कभी कोई पाइप डाल रहे हैं जी, कभी कोई पाइप डाल रहे हैं जी। देखिए एक चीज़ तो क्लियर, मैं मेरे सहयोगी कैमरा जी से चाहूँगा, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है यार, कुछ ना कुछ तो धांधली हो ही रही है यार। बिना धांधली के ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारा शहर ज्यों का त्यों पड़ा है और हमारा धर्मशाला रोड आज भी वैसा का वैसा ही है यार, वही खड्डे, वही बारिशों में बुरे हाल। तो हम अपने पार्षद महोदय से भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर चाहेंगे कि इस रोड को दिखा दें, इस रोड के क्या हालचाल है यार। पार्षद महोदय जी, मिस्टर राकेश गंभीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार जी। पार्षद महोदय, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस रोड को पिछले 2-2.5 सालों से हम ऐसे की ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? कोई है ही नहीं, प्रशासन ध्यान ही नहीं देता, बुरा हाल है प्रशासन का। हालांकि हमने तो, मैंने नगर परिषद में भी एप्लीकेशन लगा दी, एक्शन साहब ने भी कहा भी टेंडर लग गए, जेई साहब ने भी कहा टेंडर लग गए, विधायक जी को मैंने मौके पर बुलाया, विधायक जी ने भी अफसरों को झाड़ा, उनको कहा भी आप इसका टेंडर फटाफट लगाओ, इसमें यहाँ पानी इतना रुक जाता है, बुरा हाल है। महेश नाम का लड़का पानी में डूब के मर गया, जो कि मेरी गली में ही रहता है जी, पता चला। हाँ, उस लड़के की डेथ होगी पानी के कारण। उसके बाद प्रशासन को ये पीछे SDO एक्शन ये भागते रहे भी हमारा नाम ना आए, हमारा नाम ना आए, भी लड़का वैसे गिर के मर गया या कुछ है, ना उसको कोई, उसको गरीब परिवार, ना उसको कोई सहायता मिली किसी तरह की, भी आज तक 1 रुपया नहीं मिला इनको सहायता के लिए। हालांकि मैडम दुग्गल भी कह के गई थी भी इनको कुछ सहायता मिलेगी, रेड क्रॉस की तरफ से भी 1 लाख रुपये मिलेगा, पर ऐसा कुछ ही नहीं हुआ, उसको 1 रुपये तक नहीं मिला। यानी कि आप 5 किलो किसी को कनक तक कहते हैं ना, वो तक भी नहीं मिली। बाकी इस ये सड़क के बारे में तो हमने तो प्रशासन से क्या कहा कि हम तो थक गए। माफ़ी चाहूँगा पार्षद महोदय, लेकिन आप भी सर वार्ड के जिम्मेवार नागरिक हैं सर, लेकिन सर आपके मुंह से ये चीज़ें सुननी पड़े कि मतलब कि प्रशासन नहीं कर रहा, या मतलब कि कोई कमिट करके गए, दुग्गल मैडम करके गए या कोई और भी करके गया, तो उसका अभी तक उनको हर्जाना नहीं मिला, तो बड़ी गलत चीज़ है सर। मैं आपसे इस बारे में कुछ जानना चाहूँगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, खुल के बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है सर। क्या बताऊँ इस बारे में, ये तो प्रशासन देखे ना जी, मेरा जहाँ तक हाथ पड़ता है, मैं एक पार्षद हूँ, मेरा पार्षद, मेरा नगर परिषद तक हाथ पड़ता है, विधायक जी से मेरे पर्सनली अच्छे रिलेशन है, मैं विधायक जी के पास जाता रहता हूँ, विधायक जी ने भी मेरे को पूरा आश्वासन दिया भाई राकेश ये सड़क बनेगी, विधायक जी ने टेंडर भी लगवाए, मेरे सामने अफसरों को बुलाकर भी झाड़ लगाई भाई आप इसको स्टार्ट करो। पहले ये पानी सारा चिल्ली वाली तरफ जाता था, बर्फ कारखाने वाली गली से जाता था, वहाँ एक बंदे ने आगे ज़मीन ले रखी थी, उसने कब्जा कर रखा है या क्या कर रखा है, सुधीर जांगड़ा नाम का आदमी है जिसके बारे में लोग कहते हैं, उसने कर रखा, उसने ये पता नहीं क्या किया, क्या सिस्टम किया। हमें तो पहले ये बताएगी भी ये पाइपलाइन जो डल रही है ये पानी की निकासी के लिए, बाद में पता लगा पाइपलाइन डलने के बाद भी ये तो सीवर की लाइन निकली, हालांकि टेंडर लगा बरसाती पानी की निकासी के लिए, पर ये पाइपलाइन जब उन्होंने डाल के सारी ये की तो ये सीवर लाइन निकली। बहुत परेशान है, मेरे को आते जाते रोड वाले सारे टोकते हैं भी कुछ करो प्रधान जी, आप कुछ करो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरा है फर्ज, मेरा, मैं जा सकता हूँ अफसरों तक जा सकता हूँ, DC साहब तक हम हुआ है। चलिए खैर उस पर भी हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे एक बार। इसके अलावा पार्षद जी, हम मतलब कि जय श्री श्याम जो मंदिर है उसके सामने जो गढ़ी मल्ला है, वहाँ के मोहल्ले वासियों से मिले सर, वैसे तो रली मिली प्रतिक्रिया आए, मतलब कि लोग आपके कार्यकाल से बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ एक जन समस्याएं हैं, जैसे कि मतलब कि नालियों का काम नहीं हो रहा, कुछ एक ने बोला भी मतलब कि हमने गंभीर साहब को भी, पार्षद महोदय को भी रिटर्न में एप्लीकेशन दे दिया है पिछले 2 महीने से, लेकिन नालियाँ जो कि त्यों भरी पड़ी हैं, बारिश आती है बरसात में इतना बुरा हाल होता है कि इस रोड पे सर चलना ही मुश्किल हो जाता है, उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? ऐसा था, मैं आज से 2 साल पहले गया था, मैंने कहा था भी आप इनकी नाली सारी बंद करवा देते हैं, तो ये गढ़ी मोहल्ले वाले और पीछे जो सड़क से नाली आ रही है, सड़क से नाली आ रही है अटैच है,
इन्होंने मेरे को मना कर दिया भी हम नालियाँ बंद नहीं करवाना चाहते। तो मैंने कहा भी आप नालियाँ बंद करवा दो, मैं ये सारी सड़क वो कर देता हूँ। दरअसल मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में बोल रहा हूँ, दरअसल उनसे हमने सर ये जानना चाहा भी ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया कि 5 से 7 हज़ार रुपये एक घर पे खर्चा आता है नाली बंद करवाने का, डायरेक्ट अगर हम उसको सीवर लाइन में करवाते हैं तो उसके लिए सर वो लोग पे क्यों करें? तो वो प्रशासन तो नहीं देता, जो सीवर के कनेक्शन है वो नगर परिषद तो नहीं करवा के देती, ना ही पब्लिक हेल्थ करवा के देता है, सीवर के कनेक्शन तो खुद ही करवाने पड़ते हैं ना। देखिए आज के दौर में सर हमने नालियां कहीं देखी भी नहीं है, और जहाँ तक हमने मैं मेरे वार्ड में पूरे 3 नंबर वार्ड में आप कहीं भी घूम लो आपको एक ही नाली नहीं मिलेगी, पूरे वार्ड में मैंने हर गली में नाली बंद करवा दी, सिर्फ ये गढ़ी मोहल्ला है जहाँ के लोग पब्लिक मानी नहीं, ये कहते भी हम नालियाँ बंद नहीं करवाते। आज से 15 दिन पहले मैंने ये लोग फिर आए कहते जी हमारे ना 5-6 घरों की नालियाँ बंद करवा दो, मैंने कहा भी 5-6 घरों की नाली बंद नहीं होती, भी आगे पीछे वाले ऑब्जेक्शन करेंगे, ये कहते भी हम, मैंने कहा भी आप एक ना पूरी गली के एप्लीकेशन साइन करवा के दे दो, पर इन्होंने मेरे को फिर भी 6-7 लोगों के साइन करवा के दिए, मैं फिर भी गया। उसके बाद अब हमारी हाउस मीटिंग हुई थी आज से 10-15 दिन पहले नगर परिषद में, उसमें मैंने हाउस मीटिंग में लिख के दे दिया भी गढ़ी मोहल्ले की नालियाँ बंद की जाएँ, हालांकि पहले नहीं माने, अब भी ये लोग नहीं मान रहे, आधे मान रहे आधे नहीं मान रहे भी हम नालियाँ बंद नहीं करवाते, आधे कहते नालियाँ बंद करवा दो, इनकी आपस में ही फूट है भी, कुछ कहते हैं बंद करवाओ कुछ कहते हैं बंद ना करवाओ, जब इनमें खुद में तालमेल नहीं बैठेगा तो वो नाली कैसे बंद होंगी। तो सर मकान वाला तो कहता है बंद करो, दूसरे मकान वाला कहता है ये बंद मत करो, उससे मेरे को बड़ी समस्या आती है ना। मुखिया होने के नाते सर समस्याएं तो थोड़ी सी आपको उठानी पड़ेंगी। उन्होंने कहा अभी गढ़ी मोहल्ले के बाहर ना आप जो हमारी स्टार्टिंग होती है ना जहाँ से गढ़ी मोहल्ले की स्टार्टिंग है भी यहाँ से लोहे का जाल बनवा के लगवा दो जिससे कि ये सारा कूड़ा करकट ये निकल जाएगा। मैंने उसी टाइम जाल बनवाया रातों रात, मैंने उसको ठेकेदार को इसका टेंडर लगवाया, उसका जाल लगवा के मैंने गढ़ी मोहल्ले के बाहर जाल लगवा दिया। फिर जो मैं कर सकता हूँ मेरी तरफ से कभी भी इनकार नहीं हुआ वार्ड में, चाहे ना मैंने किसी के साथ भेदभाव किया भी, किसी ने मुझे कुछ भी कहा, मैं तो कहता हूँ काम करवाओ, मेरे को बड़ा मज़ा आता है विकास करने में, मैं तो खुद ही जाता हूँ, मैं स्पेशल पूछता हूँ भी आप काम करवाओ, ये तो इनका ना आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा भी, कुछ घर कहते हैं भी बंद करवाओ कुछ घर कहते हैं बंद ना करवाओ, उसमें मेरे को दिक्कत आती है। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद महोदय, आपसे बात करके अच्छा लगा। जन समस्याएं तो सर हैं ही, उनका समाधान भी हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी से जल्दी करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, ओम साईं राम।